हेलो व्यूअर्स, तो यस टेक्नोलॉजी के यस टॉक में आपको स्वागत है दोस्तों। तो आज हम कुछ बात करेंगे कुछ टेक्निकल न्यूज़, जो कि मैं आपको यस टॉक में हर बार बताया हूँ। तो टेक्निकल न्यूज़ और कुछ टेक्निकल जो फ़ोन्स लॉन्च होगी, स्मार्टफोन्स या कुछ जियो के जो फ़ोन्स, जो जियो फोन 3 लॉन्च होने वाला है और कैसे वो आपको फ्री में मिलेगी, आज कुछ इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो इस वीडियो से जुड़े रहिए और मुझे फेसबुक में या इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं या कुछ ट्विटर में, मैं हर बार ट्वीट करता रहता हूँ अपने चैनल या यूट्यूब के बारे में। तो उससे जुड़े रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो आपको बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। और एक कॉपी और पेन में जो कुछ मैं बता रहा हूँ ट्रिक्स या कुछ टिप्स, आप उसे लिख कर रखें ताकि आपको ज़रूरत के वक्त आपको ये काम आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अग्निमीर, स्वागत करता हूँ अपने चैनल यस टेक्नोलॉजी को। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आप जो मैं आपको बताया था अपने इस थर्ड वीडियो में कि आप जो चाइनीज़ ऐप्स है उसको आप क्लीन करें, तो मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा जो कि मैं अपने फ़ोन को चेक करूंगा कि चाइनीज़ ऐप्स इसमें हैं या नहीं। अगर होगी तो उसमें आपको लाइव ही क्लियर करूंगा और कुछ आपको भी टिप्स दूंगा कि आप जितने जल्दी हो उसको बॉयकॉट करें अपने चाइनीज़ ऐप्स को, जो कि आपको फ़ोन में गंदगी फैलाई हुई है। और मैं आपको बताता हूँ आज जो टेक न्यूज़ है, या बता दूँ यस न्यूज़, यस टॉक्स हैं हमारी, तो जोमाटो एम्प्लॉयज़ बॉन कंपनी टी शर्ट्स टू प्रोटेस्ट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन फार्म्स। तो दोस्तों जो जोमाटो है वो है कुछ हमारी चाइनीज़ कंपनी, जो कि हमारे इंडिया में या उड़ीसा में हमें हर जगह मिलती है, जो कि हमें बहुत ही जल्दी हमें खाना पहुंचाते हैं, हमें हमारे डिलीवरी करते हैं, हमारे जो फूड्स हम मंगवाते हैं इंटरनेट या ऑनलाइन से। तो जोमाटो एक ऑनलाइन फूड ऐप्स है, जो कि हम जब उसको मंगवाएं तो हमारे घर आकर बहुत ही जल्दी हमें डिलीवरी देते हैं। तो उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उनको जानने को मिली कि जोमाटो एक चाइनीज़ ऐप है, तो उन्होंने उनका जॉब जो छोड़ दिया है और उनके जो टी शर्ट्स हैं उसको जला दिया है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको कोई भी नहीं बताया होगा, कोई भी बड़े यूट्यूबर भी नहीं बताए होंगे जो मैं आप आज को बताना जा रहा हूँ, कि जो जोमाटो के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने करीब 520 एम्प्लॉयज़ जोमाटो से अपने जॉब को छोड़ दिए हैं और अपने जो टी शर्ट को उन्होंने बर्न करा है। सेकेंड जो है मैं आपको बताता हूँ कि रियलमी एक चाइनीज़ ब्रांड है, बहुत ही जल्दी ही इसका बॉयकॉट हो जाएगा। चाइनीज़ ब्रांड जो भी है, चाहे बात कर दूँ वीवो की या रेडमी की या ओप्पो की या कुछ रियलमी की, वो सभी बैन हो जाएगी हमारे इंडिया में। पर इसके जो लास्ट मॉडल होगी मुझे लगता है रियलमी X3 सुपर जूम ही होगी, क्योंकि यहाँ पर रियलमी X3 जो सुपर जूम है आपको यहाँ पर दी गई है कि रियलमी X3 सुपर जूम्स, रियलमी X3 अपडेट ब्रिंग्स जून 2020 पैच रियलमी पे सा आप। तो इसमें X2 प्रो से थोड़ी ही सक्सेसर है X3 मॉडल, जो X3 सुपर जूम के नाम से हमें मिलती है, उसमें थोड़ी सी अपडेट अधिक है, क्योंकि जो कि X2 प्रो में कम थे थोड़ा अपडेट किया ने रियलमी अपने X3 जूम पे, जो कि इससे बना रहता है एक बेहतरीन फ़ोन, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको नहीं ले, क्योंकि ये चाइनीज़ ऐप है, समझे बात, क्योंकि ये चाइनीज़ ऐप है, आप इसको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आप चाहे तो अगले कोई ब्रांड में जा सकते हैं, चाहे सोनी की बात कर दूँ, एप्पल हो, या फिर बहुत पैसा खर्च करना है तो आप एप्पल के तरफ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सुपर जूम के जो नया प्लान आया है कि पे सा आप, जो कि पे सा आप है, कि आप सैमसंग फ़ोन में भी देखे होंगे कि जो पे आप एक है, आप उसको पे कर सकते हैं अपने कोई भी
बिना क्रेडिट कार्ड निकाले आप उसको पे कर सकते हैं। इसमें भी रियलमी में भी एक फीचर्स ऐड किया गया है कि पैसा आपसे आप कुछ भी आप पे कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें 2020 में ये कुछ फीचर्स रियलमी ऐड किया है क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये फ़ोन उसकी लास्ट लॉन्च होगी, क्योंकि उसके बाद शायद ही कोई भी फ़ोन वो नहीं लॉन्च कर सकता। तो चलते हैं कुछ थर्ड न्यूज़ के तरफ। एक बात जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग हैं आपको एक फेक न्यूज़ घुमा रहे हैं अपने चारों तरफ, अपने जो गली में या सब में, वो एक फेक न्यूज़ बोल रहे हैं कि जो गूगल पे है ये बैन है, हो गया है। तो ये ज़रा सा झूठ है क्योंकि गूगल पर बैन नहीं हुआ है, वो एक ऑथराइज ऐप है, तो बैन कैसे होगी? आपको मैं बताता हूँ कि गूगल पे कोई ऐसा गूगल का ही एक पे ऐप है, कोई ऐसा वैसा फेक पे नहीं है। तो ये गूगल पे जो है वो क्या कह रहा है कि गूगल पे को ऑथराइज़ करने के लिए करीब 1 महीने लग सकते हैं। तो 1 महीने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि गूगल पे बैन हो गया है। तो अगर आप ऐसे कुछ न्यूज़ सुनते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं स्ट्रेटली आपको उसके कुछ एक्शन लेने के सोचूंगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा लोग ये न्यूज़ फैलाता है अपने गली में, या आपको भी कोई ऐसा बताया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नाम और कुछ उसका एड्रेस या कुछ उसका नंबर मुझे बताना, तो मैं उसको सतर्क कर दूंगा क्योंकि ये फेक न्यूज़ वो अपने गली में नहीं फैलाए। दोस्तों आप कुछ हम बात करते हैं जिसके लिए आप करीब 2 मिनट या करीब 5 मिनट से आप अपेक्षा में है कि मैं अब इसके बारे में बात करूं। तो अब मैं उसके बारे में कुछ बात करूंगा कि iPhone 12 सीरीज़ बहुत ही जल्दी हमारे इंडिया में लॉन्च होने वाली है, पर आपके लिए एक बुरी खबर भी है, एक अच्छा खबर भी है। तो अच्छी खबर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही जल्दी जब भी iPhone 12 सीरीज़ हमारे इंडिया में लॉन्च होगी तो उससे ही आपको मिलेगी कुछ AI पॉड्स, जो कि AI पॉड जो उसके साथ लॉन्च होगी, पर उससे साथ नहीं मिलेगी, उसके साथ लॉन्च होगी। पर आप अगर सोच रहे हो कि बॉक्स में AI पॉड्स आपको देखने मिलेंगे तो आप भूल सोच रहे हैं, आपको ये सेपरेटली बाय करना होगा। करीब 30,000 में ये आपको शायद मिलेगी। और एक दुख की बात है कि आपको सेपरेटली चार्जर ख़रीदना होगा, सेपरेटली आपको ईयरफोन्स ख़रीदना होगा। अगर आप ईयरफोन्स ख़रीदना चाहते हैं तो ईयरफोन्स ख़रीद सकते हैं सेपरेटली, क्योंकि आपको बॉक्स कंटेंट में आपको ये कुछ भी नहीं देखने मिलेगा, जो कि एप्पल बायर्स के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है। पर कोई बात नहीं, आप अगर एप्पल ख़रीदते हैं तो कुछ पैसे खर्च कर कर आप AI पॉड्स के अलावा आप कुछ ख़रीद सकते हैं, हेडफोन या कुछ अगले ब्रांड के कुछ तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि एंड्रॉयड के हेडफोन्स एप्पल में नहीं घुसता है, तो एप्पल के ही हेडफोन्स ख़रीदना पड़ेगा। तो बाहर से मंगवा सकते हैं या कुछ इसके लोअर मॉडल में, जो कि 11, 11 प्रो या 11 प्रो मैक्स में खरीदने को मिलते हैं। और शायद ये जो 11 या 12 प्रो का जो मॉडल है, आपको शायद ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलती है, या प्रो मैक्स में आपको शायद फोर्थ कैमरा या क्वाड कैमरा आपको देखने को मिलेगी, मुझे लगता है। यही था कुछ आज की टेक या टॉक, या कुछ बताता हूँ अपने की अपने चैनल की जो है येस टॉक। यही थी कुछ आज की येस टॉक, जो कि हैज़ 4 है। तो येस टॉक हैज़ 4 में हमें बहुत कुछ जानने को मिली, या कुछ बहुत कुछ हमें जानने से हमें नहीं मिल रही थी। ये कुछ हो रहा था हमारे इंडिया में पर हमको जानने को नहीं मिल रही थी, पर आज हमको ये मिल गया है और कुछ हमें अच्छा जानने को इस टॉपिक में जो आज मैं बता रहा था, ये टॉपिक कुछ आज का अच्छा था। तो मिलेंगे और एक वीडियो में, तो लाइक कर देना इस वीडियो को,
शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। आई बटन में बहुत सारे लिंक है, मैं आपको दे रहा हूँ, आई बटन में भी आप देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और बगल के बेल आइकन को दबा देना। एक रेड का बटन है आपको नीचे दिख रहा होगा जो कि सब्सक्राइब लिखा है, क्या जाता है आपका, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हम भी जुड़े रहें और आप भी हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।